हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। अपने इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6B से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर है फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 RS अग्रवाल की बुक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है एंड वेरीफाई करना है रिजल्ट को फॉर A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू 3 के लिए। ओके फ्रेंड्स, 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। 2/5 ए स्क्वायर बी इंटू -15 बी स्क्वायर ए सी इंटू -1/2 सी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इसके बाद रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 2/5 इंटू में -15, इसको -15/1 भी लिख सकते हैं, इंटू में -1/2। ओके फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 इंटू -15 इंटू -1 मीन्स न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा न्यूमरेटर से, इसके बाद डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा डिनोमिनेटर से, 5 × 1 × 2। इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 × -15 आ गया -30, -30 × -1 करेंगे आ जाएगा +30 अपॉन में 5 × 1 5, 5 × 2 10, 30/10। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 10 × 1 = 10 एंड 10 × 3 = 30, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया है 3। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर एज इट इज़ है इंटू ए, यहाँ पे ए का कोई भी टर्म नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे ए की पावर 2+1 हो जाएगा। ए की पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो ए की पावर ये 2+1 हो गया, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी। एज वी नो, जब ए की पावर एम होता है इंटू में ए की पावर एन होता है, देन इसका आंसर क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2+1 हो गया, दैट मीन्स ए की पावर 3 मिल गया हमें। इसके बाद बी का टर्म लिखेंगे, यहाँ पे है बी इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे बी का कोई भी टर्म नहीं है, दैट मीन्स बी की पावर 1+2 हो जाएगा, 1+2 3, बी की पावर 3 हमें मिल गया है। इसके बाद आते हैं सी, यहाँ पे सी का कोई भी टर्म नहीं है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी स्क्वायर है, दैट मीन्स सी इंटू सी स्क्वायर मिल गया, लिख सकते हैं इसे हम सी की पावर 1+2 इज इक्वल टू आ गया सी की पावर 3। देन फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट का आंसर है वो मिल गया है 3AQBQCQ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है, इसके बाद हमें रिजल्ट को वेरीफाई करना है फॉर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3 के लिए। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, दैट मीन्स दिस 2/5 ए स्क्वायर बी इंटू -15 बी स्क्वायर ए सी इंटू -1/2 सी स्क्वायर। यहाँ पे पुट करेंगे ए की जगह 1, ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 × b मीन्स 2, 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 × 2 4/5 हमें मिल गया है। इसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे -15 एज इट इज़ है इंटू बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर 2 2 4 हो गया है। यहाँ पे ए इंटू सी, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू 3, 3 × 1 आ जाएगा यहाँ पे 3। ओके फ्रेंड्स, 4 × 3 आ गया 12 एंड 12 × -15 करेंगे आ जाएगा -80, इसको हम लिख सकते हैं 180, -180 को हम लिख सकते हैं -180/1। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे -1/2 एज इट इज़ है सी स्क्वायर, दैट मीन्स सी की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 को हम लिख सकते हैं 9/1, मल्टीप्लीकेशन होगा -1 × 9 आ जाएगा -9, 2 × 1 आ जाएगा 2। इसके बाद फ्रेंड्स इसको एक बार फिर से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 4 × -180 × -9/5 हो जाएगा 5 × 1 5 × 2। इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, 5 × 1 = 5 यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 5 × 3 = 15 बचेगा 3 × 5 = 6 = 30, 2 × 1 = 2 and 2 = 18 = 36 मीन्स यहाँ पे आ गया -18। नेक्स्ट स्टेप पे हमें मिल गया 4 × -18 × -9, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 × -9 हमने किया है आया है -36, इंटू कर देंगे -18, साइड में इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जिससे हमें क्या मिल गया है 648। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चले थे, हमने वैल्यूज़ पुट की जो गिवन वैल्यूज थी, इसके बाद हमें 648 मिल गया है लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए फ्रेंड्स अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड दैट मीन्स जो प्रोडक्ट हमें मिला है 3AQBQCQ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3। 3 × AQ दैट मीन्स 1 क्यू 1 आ जाएगा, इंटू BQ दैट मीन्स 2 का क्यू 2 2 = 4 2 = 8,
इंटू सी क्यू, थ्री क्यूब, थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन इंटू थ्री 27। देन हमें मिल गया 3 × 1 आ जाएगा 3 एंड 3 × 8 24, इंटू में 27, 24 इंटू 27 इस तरह से साइड में कर लेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा 648। अब हम देख सकते हैं फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी यहाँ पे 648 और राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 648। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब फ्रेंड्स जो हमने ये प्रोडक्ट फाइंड किया है 3AQ BQ CQ ये एकदम सही है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे रिजल्ट को वेरीफाई कर लिया है। कंप्लीट सॉल्यूशंस फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।